आई होप ठीक ही होंगे। तो गाइस आज है सोमवार और मैं आया हूँ कोटेश्वर धाम। तो यहाँ पर रुद्राक्ष मिल रहा है पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा, मतलब यहाँ पर रुद्राक्ष बांटे जा रहे हैं। तो गाइस इधर की वीडियो बनाने आया हूँ मैं और रुद्राक्ष लेने भी आया हूँ, तो आपको लाइव दिखाऊंगा यहाँ पर रुद्राक्ष लेते हुए। तो गाइस चलते आएंगे और कैसे रुद्राक्ष मिलते हैं, क्या लगता है और कैसे मतलब कहाँ से जाना पड़ता है, तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस ये, और मैं आपसे एक बात बोलने वाला हूँ कि मतलब आप लोग वीडियो देख लेते हो लाइक नहीं करते, तो गाइस प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। तो गाइस वो भी यहाँ से रुद्राक्ष लेना चाहता है तो मेरी वीडियो ज़रूर देखे और मैं आपको बता दूँगा कि कैसा मिला रुद्राक्ष और कहाँ से मिला है। तो गाइस चलते हैं और यहाँ का मैं कुछ नज़ारे आपको दिखा देता हूँ और फिर आपको रुद्राक्ष लेने के लिए जो जगह जाना पड़ेगा ना वहाँ मैं ले चलता हूँ। तो गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं, बहुत भीड़ हो रही है। तो गाइस अब चलते हैं जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी की द्वारा रुद्राक्ष बांटे जा रहे हैं ना, तो अब हम उधर जाके आपको बताते हैं कि कैसा क्या है और क्या लगेगा रुद्राक्ष लेने के लिए। तो गाइस चले मिलते हैं। तो गाइस ये है तो इसके बाजू से जाना पड़ेगा रुद्राक्ष लेने के, तो बहुत घूम के जाना पड़ रहा है। तो उधर से बोला क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है तो इसलिए जगह की दिक्कत नहीं पड़े, मेन गेट से घूम के आना पड़ेगा। अंदर से कोई रास्ता नहीं है जाने का साइड में। तो गाइस याद रखिएगा मेन गेट से वापस आके आपको रुद्राक्ष लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो गाइस चलते हैं आपको रास्ता दिखाते हैं और रुद्राक्ष कैसे मिलेगा, क्या कैसे मिलता है, क्या मिलता है। तो गाइस मिलते हैं आप। गाइस हम लोग जा रहे हैं रुद्राक्ष लेने, अभी रास्ते में और धूप भी बहुत तेज हो रही है, तो बस मिलते हैं आपको, दिखाते हैं अभी रास्ता बहुत लंबा चलना है हम लोगों को। तो गाइस चल रहे हैं और फिर देखते हैं, भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी इस टाइम पे क्योंकि आज सोमवार है और धूप भी बहुत तेज है, तो मतलब पब्लिक देखे पीछे बहुत ज़्यादा पब्लिक है। तो बस चलते जा रहे हैं, अभी थोड़ा दूर है बस, आते फिर आपको दिखाते हैं कि कहाँ मिल रहा है रुद्राक्ष। तो गाइस अभी ऐसे तैयार हो रहा है, अभी इस पर मतलब पन्नी नहीं चढ़ी, पन्नी चढ़ेगी उसके बाद मतलब अच्छी व्यवस्था हो जाएगी यहाँ पे। तो गाइस आगे चलते हैं और बताते हैं आपको। गाइस हम लोग यहाँ आ चुके हैं, यहाँ से एंट्री रुद्राक्ष के लिए, तो एक साइड लेडीज का है और एक साइड जेंट्स का। तो गाइस चलते हैं अंदर और आपको बताते हैं यहाँ पे रुद्राक्ष के लिए क्या मिलेगा। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, तो इनने जाली वगैरह लगा के रखी पहले से भीड़ के लिए। तो गाइस ये देखिए, पहले बहुत ज़्यादा पिछली बार जो रुद्राक्ष बैठे थे उस टाइम तो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, ये सब व्यवस्था भी नहीं थी इस टाइम, तो इधर मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक आई थी, तो उधर से क्या किसी को चोट वगैरह भी लगी थी, तो अब इधर ये व्यवस्था करके रखी। तो मतलब ये जो टीम वाले हैं ना, तो इनने बहुत प्यारी व्यवस्था की है। गाइस आगे चलते हैं, अभी रुद्राक्ष के लिए तो बहुत आगे जाना पड़ेगा। तो गाइस मिलते हैं। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। गाइस ये बने हैं पॉइंटर, अभी ये पॉइंटर बंद है, बस चार पॉइंटर चालू है इधर रुद्राक्ष के लिए, तो इसलिए अभी ये जा रहे हैं। यहाँ पे तो भीड़ हो रही है, अभी ये पॉइंटर खुले होते तो इतनी भीड़ नहीं होती। तो गाइस मिलते हैं आगे। पॉइंटर में सिर्फ चार पॉइंटर चाहिए, तो ये चार में से रुद्राक्ष मिलेंगे। तो भाई चलते हैं और आपको दिखाते हैं रुद्राक्ष के लिए क्या लगेगा और क्या नहीं लगता। तो भाई ध्यान और ये और यहाँ से
और फिर उसके बाद मैं विधायक गोत्रा था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा हम लोगों को, सिर्फ 10 मिनट में रुझान मिलने, सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है तो रुझान नहीं मिल रहा, पर बहुत जल्दी रुझान मिल रहा है। व्यवस्था बहुत अच्छी थी इनमें। तो गाइस अब आगे आपको दिखाते हैं, देखते हैं आगे आपको। तो गाइस मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे हो चुके हैं, भीड़ थी पर मन लगा नहीं इतनी भीड़ है क्योंकि इधर जगह बहुत ज़्यादा है। जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा मतलब ये जगह है ना, मतलब ये मंदिर बनाया गया है, इसमें जो व्यवस्था की गई है ना बहुत अमेजिंग व्यवस्था की गई है। और मेरे को रुद्राक्ष मिल गया, रुद्राक्ष में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस टाइम पे, क्योंकि मैं इधर पीछे तो घूम के गया था, सिर्फ मेरे को 10 मिनट लगे मुश्किल से लाइन में लगे हुए। तो गाइस इधर ही अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और आप लोगों से आशा करता हूँ कि अब मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और प्लीज़ देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिए। और जो भी प्लीज़ जिसके पास वीडियो आ रही है वो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही अमेजिंग जगह मतलब ये मंदिर वगैरह जो भी है ना इन्हीं पे वीडियो बनाता हूँ और इन्हीं पे बनाऊँगा मैं। तो प्लीज़ गाइस आप लोग अगर जो भी देखना हो वीडियो वगैरह जो भी मंदिर का, तो आप कमेंट में बताइए मेरे को कि मतलब कौन सा मंदिर देखना है, मैं आपको लेके जाऊँगा ज़रूर वहाँ पर और वीडियो बनाऊँगा बहुत मस्त। तो गाइस करते हैं, मेरे को अमेजिंग लगी इधर की व्यवस्था जो भी है, पानी की व्यवस्था भी दोनों जगह करके रखी। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के, किसी का कमेंट आएगा तो उसमें देखते हैं और बताते हैं कि कहाँ लेके जाएंगे, और जो भी कमेंट करेगा उसका मतलब जो भी कमेंट करेगा ना यहाँ की, तो वहाँ का मैं आपको बताऊँगा ब्लॉग बना के और ज़रूर बताऊँगा मैं। तो प्लीज़ गाइस कमेंट कीजिए जैसे अदर कि कहाँ कौन से मंदिर का ब्लॉग देखना है आप लोगों को। तो गाइस ये वीडियो यहीं एंड होती है और बाय।